हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, और वो है कैविटेशन। कई सारी किताबों में जो है वेपर प्रेशर के बारे में तो जिक्र है, लेकिन कैविटेशन के बारे में जिक्र नहीं है। और बच्चे जो है कैविटेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली कैविटेशन कहते किसे हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है कैविटेशन का टॉपिक लेके आया हूँ, और मैं आपको आज कैविटेशन के बारे में ये बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैविटेशन, कैविटेशन एक्चुअल में है क्या, कहते किसे हैं। तो यह मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ बबल इन ए लिक्विड फ्लो ड्यू टू सडन ड्रॉप इन प्रेशर इज कॉल्ड कैविटेशन। मैंने इसमें कहा है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है बबल्स का फॉर्मेशन हो और एक्सप्लोजन हो बबल्स का इन ए लिक्विड फ्लोइंग, मतलब लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है और उस फ्लो करते हुए कंडीशन में जो है उस लिक्विड के अंदर जो है आपका बबल्स का फॉर्मेशन होना और उनका एक्सप्लोजन होना ड्यू टू सडन ड्रॉप इन प्रेशर इज कॉल्ड कैविटेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें आपका बबल्स बन रहे हैं और फूट रहे हैं फ्लो करते हुए लिक्विड के अंदर, किसके कारण, ड्यू टू सडन ड्रॉप इन प्रेशर। तो ये जो प्रोसेस है जब इस तरह हो रहा है कि बबल्स बन रहे हैं, फूट रहे हैं, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो सब ड्यू टू सडन ड्रॉप इन प्रेशर, प्रेशर के ड्रॉप होने के कारण हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैविटेशन। मैं आपको उसको अच्छे से समझाना चाहूंगा। मैंने एक डायग्राम लिया है और डायग्राम में मैंने बताया है कि ये आपकी नोजल है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर कि जो हमारा पीछे से जो वाटर है, जो लिक्विड है जो फ्लो करता हुआ आ रहा है, उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है। तो नोजल के केस में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो इस रीजन के अंदर जो है जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो अप टू द वेपर प्रेशर जो है वो उस लेवल तक चला जाता है, जिससे कारण जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसमें जो है बबल्स की फॉर्मेशन होती है। उसमें जब वो नोजल के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता हुआ जाता है, प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो जो टेम्परेचर है उसका इक्वेलेंट टू वेपर प्रेशर तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वहां पर जो है वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं उसके अंदर, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, सॉरी बबल्स जो है उसमें बनने लगते हैं और बबल्स का फॉर्मेशन होना तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो बबल्स जो है उस रीजन से बाहर निकलते हैं और दूसरे रीजन में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो उसके ऊपर जो है एक सडनली प्रेशर बढ़ जाता है। जब सडनली प्रेशर जो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो है बबल जो है हमारा जब टर्बाइन के ब्लेड तक पहुंचता है तो वहां पर जाकर वो एक्सप्लोजन हो जाता है, फूट जाता है, जिससे कारण एक इम्पैक्ट, एक फोर्स जो है टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर जो है जिस पॉइंट पर जो है वो वाटर इंजेक्ट करता है, उस पॉइंट पर बबल जाके फूटता है और उस जगह पर जो है वहां पर कैविटी हो जाती है, जिससे पिटिंग हो जाती है, पिट्स बन जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं जो जिनको हम पिटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पिटिंग जो होता है, जो हम कहते हैं कि टर्बाइन के ब्लेड्स में जो गड्ढे हो गए, वो किस कारण होते हैं, वो हमारा कैविटेशन के ही कारण होते हैं। तो वो जो बबल जब हमारा नोजल से ये पास होता है तो उस कंडीशन में जो है वो बबल्स कम्प्लीटली तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो हाई प्रेशर रीजन में पहुंचता है, नोजल से बाहर पहुंचता है, तो रीजन एकदम चेंज हो जाता है और लो प्रेशर से हाई प्रेशर रीजन में आ जाता है, तो वहां पर बबल्स का जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज होने लगता है और ब्लेड के जिस पॉइंट पर उसको इम्पैक्ट करना होता है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो अपना जब एक्सप्लोजन कर जाता है
और उसकी जो फोर्स है, जो इंटरनल प्रेशर है, वो ब्लेड की जो है मटेरियल है उसके सरफेस पे जाके लगता है प्रेशर, जिससे कारण जो है वहां पर जो है पिट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पिटिंग हो जाती है, वहां पर बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी के नीचे एक डायग्राम और दिया हुआ है, और इस डायग्राम में मैंने जो है बबल्स की जो मोशन है मैंने उसको दिखाया हुआ है, और लास्ट मैंने जहाँ पर आपका टर्बाइन का जो ब्लेड लिया हुआ है, ये मेरा टर्बाइन का ब्लेड है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा जो है आपका ब्लेड है यहाँ। तो मैंने दिखाया कि जब नोजल से जब क्रॉस करेगा लिक्विड जो, उस कंडीशन में बबल्स की फॉर्मेशन होगी, और बबल जो है जैसे ही नोजल से बाहर निकलेगा तो एकदम वो दूसरा जो रीजन चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है बबल की स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होगी। उसका रीजन ये है कि ऑस्किलेटिंग करता हुआ जाएगा ये, और हाई प्रेशर रीजन में आ जाएगा, तो हाई प्रेशर रीजन में आने के कारण क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी, और जैसे ही वो ब्लेड की सरफेस के पास पहुंचेगा वहां पर जाकर वो एक्सप्लोर कर जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फूट जाएगा, और उसके फूटने से जो है जो भी इसके अंदर इंटरनल प्रेशर था, जो भी फोर्स थी, वो ब्लेड के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लगेगी, जिससे कारण बार बार ये प्रोसेस जो है ब्लेड के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता रहेगा, और उसके कारण जो है वहां पर जो है फिर आपका जो है पिट्स फॉर्म हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी जो है गड्ढे बन जाएंगे, बहुत सारी पिटिंग्स हो जाएंगी जो कि टर्बाइन के ब्लेड को जो है वो डैमेज कर देंगे। तो खाली टर्बाइन नहीं, सेंट्रिफ्यूगल पंप जो हमारा है, पंप्स के अंदर भी जो हमारी पिटिंग्स होती हैं वो कैविटेशन के कारण ही होती हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, जो जो भी हमारे टर्बाइन हैं या हमारे जो सेंट्रिफ्यूगल पंप्स हैं जिनमें हम किसी लिक्विड को फ्लो को करा करके जो है उनके जो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम क्या होता है, कैविटेशन के कारण जो है वहां पर पिटिंग्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो मेटल्स की सरफेस है उनके अंदर बहुत सारे गड्ढे पड़ जाते हैं, और वो मेटल जो है फिर या वो जो हमारा का कंपोनेंट है वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है कैविटेशन के बारे में समझाया, आई होप सो आपको कैविटेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।